नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज एमएलसी चुनाव हो रहा है देश के कुछ हिस्सों में, और उसमें से एक है गोरखपुर, काफी प्रसिद्ध भी है क्योंकि गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। और यहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया, उनके साथ साथ कई और बड़े चेहरे उन्होंने भी मतदान किया, जिसमें से एक है सांसद रवि किशन, जो कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम कई अहम चीजों पे बात करेंगे और जानेंगे कि जो एमएलसी चुनाव है उसमें बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से सांसद और बीजेपी के एक बड़े चेहरे रवि किशन जी। रवि किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह सुबह आपने मतदान केंद्र पे पहुंच के अपने मत का प्रयोग किया, सबसे पहला और अहम सवाल कि बीजेपी कितनी मजबूत दिख रही है एमएलसी चुनाव में? जी, हम लोग जैसे बहुमत की सरकार बना के पूज्य महाराज जी आज मुख्यमंत्री बने, इसी तरह एमएलसी में भी हम लोग पूरी सीटों पे दावेदारी हम लोगों की, और हम लोग यहाँ पे भी बहुमत से जीते, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जनता के साथ साथ जितने भी हमारे लोग हैं, जितने कार्यकर्तागण हैं, पार्षद गण है, बीजेपी है, विधायक गण है, सांसद गण है, प्रधान, जब सब लोगों की राय यही कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी होंगे, वही काम होगा। क्योंकि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमारा लेटर, हमारे कार्य, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। तो उन्होंने सबने तय कर लिया, जितने सपा माइंडसेट के भी लोग थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी को देखना चाहते हैं। जी, जिस तरह से 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हो गई है बीजेपी की, तो वहीं सपा की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ के उनके प्रत्याशियों का पर्चा भरने नहीं दिया गया, दाखिल नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज ये ऐसी सब बातें सपा कर रही है, ये अब डिजिटल वर्ल्ड है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, जबरदस्ती अगर कहीं करेंगे तो वीडियो वायरल होगा, जोर जबरदस्ती या तो कानून व्यवस्था पे आप लाठी नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी का कार्यशैली ऐसा है कि इस वक्त पूरा माहौल ही हर व्यक्ति चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, पूज्य योगी महाराज जी मुख्यमंत्री रहे, विधायक गण हमारे रहे, सांसद गण हमारे रहे, एमएलसी गण हमारे रहे, पार्षद हमारे रहे, प्रधान हमारे रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक अपने आप को नया उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहा है। और जनता इस वक्त सोच रही कि हमारे लिए नहीं हुआ, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हमके सोचे के बाद हमसे को नया उत्तर प्रदेश बनाए के बाद भ्रष्टाचार मुक्त हो, माफिया मुक्त हो, बाहुबली मुक्त हो, वो कैसे होगा? तो वो पूज्य महाराज जी एक मुखिया के रूप में उनको और सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी को, ये वो माहौल है जिस पर आज हमारे सारे एमएलसी जी आज बड़े अच्छे से दावेदारी से लड़ रहे हैं और हम लोग बहुमत से जीते। जी, तो जैसे कि योगी सरकार ने अपना 2.0 का कार्यकाल संभाला है, काफी एक्टिव नजर आ रही, तो जो 100 दिन का खाका तैयार करने की बात कही गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? ये प्रदेश की जो तस्वीर उसको बदलने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, यही शैली है जो मोदी जी करते हैं, महाराज जी वही शैली पर है कि कैसे जीत हो गई, ये लड़े, फिर उसके बाद तुरंत अगले दिन से काम पर। अब 100 दिन में क्या रिजल्ट होगा, ये 5 साल के अंदर जितना प्रदेश ने काम किया उससे 4 गुना ज्यादा आप देखेगा काम होगा। यही शैली के वजह से इतना बड़ा प्रदेश बदलेगा, और वो महाराज जी को वो पूरी टेक्निक पता है, कैसे काम करना, कैसे काम अधिकारियों से निकालना, कैसे जनता का पैसा जनता में ईमानदारी से पहुंचे, कार्य जमीन पर दिखाई दे, और कैसे इस प्रदेश को अव्वल प्रदेश बना के पूरे देश के सामने और विश्व के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना महाराज जी को। एक व्यक्ति जब निस्वार्थ त्यागी होता तो वो कार्य कर सकता है, एक जनता ने अगर भरोसा दिखा के उनको जिताया है तो उसका रिजल्ट आप देखिएगा इतना सुंदर देंगे महाराज जी, जिनका की जो मैं उनके सानिध्य में काम करता हूँ, मुझे उनके उनके व्यवहार से और उनके विचार को मैं जानता हूँ, इतने दूरदृष्टा है, आप देखिएगा रिजल्ट बहुत, एक दो साल में कायर पलटेगी, 5 साल आते आते 2027 तक उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। जी, बीते दिनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है कि मजबूर और गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ माफियाओं के ऊपर एक बार फिर से बुलडोजर का गरजना शुरू हो चुका है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो अधिकारी थे उनकी मनमानी चल रही थी, गरीबों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो इस सख्त निर्देश दिया है? देखिए, महाराज जी के दो चेहरे हैं वो जानना बहुत जरूरी, एक है माफियाओं बाहुबलियों के लिए कड़क चेहरा, भ्रष्टाचारियों के लिए चेहरा, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, माता बहने बेटियों के लिए, रेडी वाले, पटरी वाले, धंधा छुटकर धंधा करने वाले, उनके लिए महाराज जी का एक भावना अलग, ये जानना बहुत। विपक्ष हमेशा उनको कठोर व्यक्तित्व बताया, लेकिन उनके दो चेहरे हैं,
जो गलत काम करेगा, जो पाप करेगा, जो समाज को डराएगा, धमकाएगा, माँ बहन की इज्जत को खतरा पैदा करेगा, तो उसके लिए एक महाराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा अलग है। और एक गरीबों के लिए जो जो अगर घर का टूट जाता उसके बाद कोई लाचार हो जाता तो उसके लिए उनके पास भी उपाय है। वो एक अंदर का एक वो एक अलग एक एक बड़े अभिभावक की तरह भी एक चेहरा है कि घर का कोई बड़ा भाई कैसे होता है, एक पिता कैसे होता है, एक एक, एक मुख्यमंत्री को कैसे होना चाहिए, वो यही उनकी सुंदरता है जो पूरे आज पूरे देश में इसलिए उतने इतने इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि काफी मजबूत नजर आ रही है बीजेपी, और जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता वैसे ही एमएलसी का चुनाव भी जीतेगी, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्णय और उनके एक्शन के बारे में भी बात की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।